हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आईबी ड्राइवर एंड एमटीएस जिसका एग्ज़ाम अप्लाई का जो लास्ट डेट था 13 नवंबर तक था, और जो पेमेंट नहीं किए हैं अभी तक, तो उनका एक मौका है, वो 16 नवंबर तक एसबीआई ऑनलाइन चालान के माध्यम से कर सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, एसबीआई चालान के माध्यम से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्राइवर या एमटीएस के लिए कोई भी, दोनों में से कोई भी फॉर्म के लिए अप्लाई किए हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट का क्या है, एग्ज़ाम कब तक होंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, बेस्ट बुक कौन सा रहने वाला है, तो और आपका जो ई बुक है वो मतलब कैसे प्राप्त करें, ये भी है। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो में जितना भी इंफॉर्मेशन, हाँ, और जो आपका क्लास है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, अपना जो बेसिक फंडा है, इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इजकल टू सेलेक्शन, ये क्या है, जैसे आई बी का फॉर्म आया, ड्राइवर एम टी एस दोनों का, तो इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको पता नहीं था, लेकिन उनको पता कराने का काम स्टडी विथ क्रेजी गुरु के टीम द्वारा किया गया, टाइम टू टाइम अपडेट लाया गया। उसके बाद एजुकेशन, अब क्यों एजुकेशन की बारी है, फॉर्म तो आपने अप्लाई कर दिया है, लेकिन अगर आप सोचो कि अगर जो एग्ज़ाम है CBT 1 और CBT 2 वो क्लियर नहीं कीजिएगा तो मेरिट बनेगा नहीं ना, तो इसलिए अब एजुकेशन पे फोकस करना है। ये नहीं कि अपना काम है कि आए और केवल फॉर्म के बारे में बताए और चले गए, नहीं, जब तक आपका मेरिट नहीं बन जाता है, स्टडी विथ क्रेजी गुरु जो का जो टीम है आपके साथ रहेगा। जैसे देखिए, दिल्ली पुलिस में देखिए, दिल्ली पुलिस ड्राइवर में देखिए, मतलब DRDO में देखिए, DRDO, ये जो IB हो गया, DRDO हो गया, ISRO हो गया, ये सब में वैकेंसी कब आती है, कब चले जाती है, ये पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए इसका इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको पहुँचाने का काम अपना स्टडी विथ क्रेजी गुरु के टीम करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं खुशी खुशी। लेकिन उससे पहले मैं एग्जाम डेट के बारे में बता दूं कि एग्जाम कब होंगे। तो एग्जाम आपका जो संभावित है वो 15 दिसंबर से लेके 1 जनवरी के बीच में कभी भी। आप बोल रहे हैं सर एक डेट क्यों नहीं, अरे भैया देखिए, इसका जो है एग्जाम डेट भी रिलीज नहीं करेंगे, पता चलेगा IB हो गया, DRDO हो गया, ISRO हो गया, ये सब में सीधा एडमिट कार्ड मेल पे भेज देंगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और कितना कोई ऐसा ये होता है कि एडमिट कार्ड भी आगे पीछे हो के आता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और हाँ, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, सर एडमिट कार्ड सबका आएगा या किसी का ना भी आएगा, तो मैं बता दूं कि एडमिट कार्ड जो जो फॉर्म अप्लाई किए हैं सभी लोगों का आएगा। ये मतलब जो एक होता है ना डिफेंस लाइन में कोई कोई जिसमें परसेंटेज देख के एडमिट कार्ड भेजा जाता है, वैसा नहीं है। आपका परसेंटेज 10th 12th में कितना भी क्यों ना हो, घटिया हो, आप पास केवल होना चाहिए, आपका जो फॉर्म अप्लाई किए हैं वो सही होना चाहिए, आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड ऑनलाइन एग्जाम है, 10 दिन पहले दे दिया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो ये हो गया, तो एग्जाम कब तक होंगे ये पता लग गया, प्लस माइनस 5 डेज लेके चलिएगा। लेकिन सर इतना जल्दी, हाँ इतना जल्दी ले लेंगे, आईबी वाले लेट नहीं करते हैं। ओके, मुश्किल से 1 से 1.5 महीना देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो ड्राइवर का पैटर्न अलग रहने वाला है, एमटीएस का पैटर्न अलग रहने वाला है, सिलेबस क्या है, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो इसी की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, एग्जाम जो पैटर्न है 2 चरणों में लिया जाएगा, कितने, 2 चरण में लिया जाएगा, तो उसी के बाद रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए ये सब जो देखिए इसमें है कि जो एग्जाम 1 लिया जाएगा, जो कि दोनों का सेम रहेगा, दोनों बोले तो कौन, ड्राइवर और एमटीएस। देखिए SA और MT है, ये ड्राइवर के लिए है, और MTS जनरल है, ये MTS के लिए है। तो दोनों का जो CBT 1 एग्जाम है, और एग्जाम होगा ऑनलाइन माध्यम के। ओके, तो ये क्लियर हो गया। निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यहाँ देखिए, निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, कितने नंबर के रहेंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के रहेंगे, तो पैटर्न पता चल गया। और CBT 2 है जो कि देखिए MTS का अलग से लिया जाएगा, CBT जो Trial 2 है, और इसका जो SA और MT का, इसका ड्राइवर का अलग लिया जाएगा। इसमें क्या है कि मोटर मैकेनिज्म जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, इंटरव्यू होगा,
इसका इंटरव्यू का तैयारी कौन करवाएगा? इंटरव्यू का तैयारी भी स्टडी विथ क्रेजी गुरु के टीम द्वारा करवाया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो अपना बेसिक फंडा है इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन, एडमिट कार्ड आएगा तो कौन बताएगा? स्टडी विथ क्रेजी गुरु के टीम द्वारा ही बताया जाएगा। डेटा का कौन बताएगा? सब कुछ यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिला तब जाके यहाँ पे एस यानी कि सिलेक्शन होगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि इसमें ड्राइविंग टेस्ट के लिए और इंटरव्यू दोनों के लिए बुलाया जाएगा, जिस ट्रायल टू में और ट्रायल वन दोनों का जो है सेम रहेगा। और ट्रायल टू में इसका एमटीएस है, इसमें क्या होगा कि कॉम्प्रिहेंसिव लिया जाएगा। इसके दोनों के रिगार्डिंग स्पेशल वीडियो ले आएंगे, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं जो अपना मतलब आज का जो बेसिक मुद्दा है। पहले भैया सबसे पहले ट्रायल वन एग्जाम क्लियर कीजिएगा तब ना यहाँ पहुँचेगा। तो इस पर ना पहले चर्चा करना है, अपना जो टारगेट रहेगा टारगेट बनाना है। बिना टारगेट का जीवन जीना मतलब असंभव है। तो इसलिए जीवन जीना है, खुश रहना है तो टारगेट बनाना पड़ेगा और वो टारगेट के पीछे जी जान लगाना पड़ेगा और अचीव करना पड़ेगा। ओके, टारगेट पूरा करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, एक क्वेश्चन एक नंबर के, 1 आवर का एग्जाम होगा। जाइएगा एग्जाम देके तुरंत आ जाइएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए जनरल अवेयरनेस जो कि 40 क्वेश्चन 40 नंबर के पूछे जाएंगे, यहाँ पर ये क्लियर सही किया है कि कितने क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाएंगे। आईबी वाले ये सही करते हैं, डीआरडीओ वाले ये नहीं करते हैं, वो केवल सब्जेक्ट दे देते हैं ऐसे जो यहाँ ए बी सी डी इतने सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और कितने पूछे जाएंगे ये नहीं, लेकिन यहाँ पर क्लियर करके रखा है। जनरल अवेयरनेस में ही सारे जो करेंट अफेयर्स वगैरह आ जाते हैं तो ये इसका तैयारी आप स्टार्ट करवा दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये कितना 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के। रीजनिंग पूछने के, न्यूमेरिकल जो लॉजिकल एबिलिटी रीजनिंग हो गया जो ये सब है जो रीजनिंग एक तरह से, ये 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे। और देखिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कितने हो गए 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर के पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1 आवर का एग्जाम होगा, तो सिलेबस पता चल गया। अब इसका तैयारी कैसे करें सर, मतलब कम टाइम भी अभी इतना ज़्यादा नहीं, आप बोल रहे हैं जनवरी में एग्जाम ले लेगा। तो देखिए दिसंबर 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच कभी भी, और ये डेट नहीं देते हैं सीधा एडमिट कार्ड देंगे, कभी काल डेट दे देते हैं ये भी है, लेकिन ये नहीं है कि डेट देते हैं ये जो आज मान लीजिए कि एक महीना पहले डेट दे दिए, तब ऐसा नहीं करते, सीधा एग्जाम ले लेते हैं। आप डीआरडीओ का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें भी पता चला होगा कि 10 दिन पहले हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि एग्जाम होगा, उसके बाद स्टूडेंट बोलते हैं पढ़े ही नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी से ध्यान दीजिए। तो जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 100 क्वेश्चन टोटल हो गए। उसके बाद इसकी तैयारी का जो प्लेलिस्ट है, क्लास है, वो स्टडी विथ क्रेजी गुरु के यही यूट्यूब चैनल है, यहीं पे चलेगा, फ्री में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा यूट्यूब चैनल पे, आपको चार्ज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 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 जो इम्पोर्टेंट है बुक का, ये देखिए यहाँ जो हम बताए थे, तो बुक में क्या है कि अपना टीम द्वारा मेहनत किया गया है, तो बुक का कोई प्राइस नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस चार्ज बोले तो ये क्या है, देखिए बुक है जो आपको चारों सब्जेक्ट का अलग अलग दिया जाएगा। कैसे, तो वो पहले समझा देते हैं, उसके बाद हम आपको जैसे देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस से, इसका आपको बुक प्रोवाइड कराया जाएगा। और बुक नहीं, देखिए अभी मैं कहाँ से हूँ, आप मान लीजिए मैं इस स्टेट से हूँ, आप किसी दूसरे स्टेट से हैं, आप हरियाणा से हैं, आप राजस्थान से हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, आप तेलंगाना से हैं, आप केरल से हैं, आप आंध्र प्रदेश से हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट राज्य से है, तो वहाँ तक बुक पहुँचाना उचित नहीं था। इसलिए ई बुक लॉन्च किया गया है स्टडी विथ क्रेजी गुरु टीम द्वारा। ई बुक बोले तो PDF फॉर्मेट में, मैं फिर से बता दूँ, PDF फॉर्मेट में आपको WhatsApp के माध्यम से सेंड किया जाएगा। PDF में पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड आपके अकॉर्डिंग रहेगा, आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या जो आप चाहोगे आपका नाम हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मोबाइल नंबर ही देते हैं, तो मोबाइल नंबर आपका रहेगा, PDF आप ही का मोबाइल नंबर, PDF का पासवर्ड रहेगा। ओके, तो ये PDF आपको 4 PDF दिया जाएगा, कौन कौन सब्जेक्ट वाइज। पहला PDF दिया जाएगा जनरल अवेयरनेस का, और जो सेकेंड PDF दिया जाएगा किसका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। उसके बाद थर्ड PDF आपको क्या चीज़
पीडीएफ दिया जाएगा रीजनिंग का, उसके बाद जो फोर्थ पीडीएफ है इंग्लिश लैंग्वेज का, ये तुरंत सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन जो करेंट अफेयर्स का पीडीएफ है, जैसे जैसे क्लास लगेंगे वैसे वैसे आपको ग्रुप बना दिया जाएगा ग्रुप में। और भी सारे, ये मत सोचिएगा कि जैसे जैसे क्लास नोट्स जो यूट्यूब पे चलेंगे और वो ये उन्हीं को प्रोवाइड कराया जाएगा जो हमारे साथ जुड़ेंगे, यानी कि जो पीडीएफ लेंगे। ओके, तो करेंट अफेयर्स हो गया या क्लास नोट्स, जो क्लास में मैराथन क्लास कराएंगे, टेस्ट सीरीज लाएंगे, तो टेस्ट सीरीज वगैरह सब आपको कहाँ पे, जब हमारे साथ जुड़ जाइएगा तो वही ग्रुप में टाइम टू टाइम, जैसे आज क्लास हुआ तो आज ही आपको सेंड किया जाएगा क्लास का लिंक भी और वो नोट्स भी जिस क्लास से वहाँ पे पढ़ाया गया है। ओके, तो इतना फैसिलिटी आपको यहीं स्टडी विथ क्रेजी गुरु टीम द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद सर चार्ज भी लगेगा क्या? जी हाँ, चार्ज मात्र 90 रुपीज़। ओके, 90 रुपया में, अभी देखिए 90 रुपया में, ये सोच रहे थे सर 90 रुपया में पर सब्जेक्ट 90 रुपीज़ है क्या? नहीं, 90 रुपया में ऑल सब्जेक्ट बोले तो, ये देखिए ऑल सब्जेक्ट बोले तो, देखिए फिर से मैं समझा दूँ, जनरल अवेयरनेस भी, एप्टीट्यूड भी, रीजनिंग भी और इंग्लिश भी। कौन कौन सा? देखिए जनरल अवेयरनेस भी, जीके जीएस जिसको बोलते हैं, और उसके बाद एप्टीट्यूड भी और रीजनिंग भी और इंग्लिश भी, ये चारों सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है आपको सेंड किया जाएगा मात्र 90 रुपीज़ में। यही आप मार्केट में लाने जाइएगा तो 1000 रुपया, ये चार सब्जेक्ट का मतलब अलग अलग लीजिएगा तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये मात्र 90 रुपीज़ में। ओके, लेकिन 90 रुपया ये पेमेंट कहाँ करना है? और सब ऑनलाइन माध्यम से होगा, 7564864459 शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए, इसी पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और इसी सेम नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी चलाते हैं, 90 रुपया आपको पेमेंट करना है और ये 90 रुपया वन टाइम पेमेंट करना है। उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको कभी भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंटिन्यूस पीडीएफ सेंड किया जाएगा, मतलब आपको टाइम टू टाइम जैसे क्लास होंगे वैसे ही नोट्स आपको सेंड कर दिया जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम पेमेंट है, ये मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है, ये कोई बुक का प्राइस नहीं। जैसे टीम द्वारा जो पीडीएफ भेजा जाएगा उसका मेंटेनेंस रखा जाएगा, ये जरूरी है, यही एग्जाम है, एसएससी में भी तो सेम सिलेबस है, तो यही आपको पढ़ना पड़ेगा ना, तो इसलिए मेंटेनेंस चार्ज यानी कि हमेशा के लिए ये पीडीएफ रहेगा, इसका कोई वैलिडिटी नहीं है जो हाँ आज कल परसों तक, ऐसा नहीं है, जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। ओके, तो इसी नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर देना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट लेके इसी व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट अपना नेम, अपना नाम, स्टेट नेम और किस एग्जाम के लिए, यानी कि दोनों का सिलेबस तो सेम है, सेम से, लेकिन आप एग्जाम रिगार्डिंग जरूर वहां मेंशन कर दीजिएगा, एमटीएस के लिए है या ड्राइवर के लिए है, दोनों का सिलेबस सेम है, पीडीएफ भी सेम रहेगा, क्लास भी सेम रहेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसलिए मैं बता दूँ, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। क्लास कब से लगेंगे? कल से स्टार्ट किए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट का अलग, जैसे एक तो रहेगा जीए का, दो तीन पीडीएफ, जैसे जीके जीए में जनरल अवेयरनेस में जीके जीएस आ जाते हैं तो उसका दो तीन प्लेलिस्ट आ जाएंगे, जैसे करंट अफेयर्स का अलग, जीएस का अलग और जीके का अलग, और एप्टीट्यूड का अलग से रहेगा, रीजनिंग का और इंग्लिश का, ये 5-6-7 प्लेलिस्ट बनाया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस खुशी खुशी क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, जुड़े रहने के लिए क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन, पहले तो जॉब के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देना, उसके बाद एजुकेशन इजकल टू सिलेक्शन, तो ये मत भूलिएगा कि दोनों अगर साथ में यहीं पे मिल जाए तो ये सिलेक्शन कोई नहीं रोक लेगा। ओके, कोई डाउट है तो इसी नंबर पे, जरूरी नहीं कि आप पीडीएफ लीजिए तभी हमसे संपर्क कीजिए, कोई भी डाउट हो तो इस नंबर जो दिया गया है इसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई जल्द ही दे दिया जाएगा, कॉल कीजिएगा, सभी लोगों का कॉल कर रिसीव कर पाना मतलब संभव नहीं होता है, तो इसलिए मैं जो पीडीएफ लेने वाले भी है उनसे मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो नंबर है 7564864459 व्हाट्सअप मैसेज करके पेमेंट स्क्रीनशॉट सीधा भेज के अपना नाम, स्टेट नेम और किस एग्जाम के लिए, जैसे एमटीआर कैटेगरी जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ओके, ताकि पता चले जहाँ कितने लोग फॉर्म किस कैटेगरी से भरे, कटअप एनालिसिस करने में अच्छा होता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, पेमेंट करके पेमेंट स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो ये समझ गए, कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।